बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन जिसको हम कहते हैं मैक्रो बायोमोलिक्यूल। मैक्रो मतलब लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पर है? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ सिंपल यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। प्रोटीन जो है वो उनके जो बेसिक यूनिट्स है, जिस तरह हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स वो ग्लूकोज से बने हैं, इसी तरह प्रोटीन्स के जो बेसिक यूनिट्स है वो अमीनो एसिड्स हैं। देयर आर ओवर 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। अब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में, जितने भी प्रोटीन्स मौजूद हैं वो तमाम प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ किस्म के 20 अमीनो एसिड से बने हैं। अब उनकी जो ओरिएंटेशन है एक दूसरे के साथ, उनका जो बॉन्ड बनाना है तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से है, इस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं। फिर एन अमीनो एसिड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर। एक अमीनो एसिड में क्या क्या होता है? उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर भी उसमें मौजूद होता है। अब जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन किस चीज़ से बने हैं? वो अमीनो एसिड से बने हैं। अब अमीनो एसिड्स वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? वो कम है। अब और जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो वो एक लंबा चेन बनाते हैं प्रोटीन्स का। तो फिर प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स क्या है? फिर वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। सो दे कैन नॉट गेट डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड। अब जिस तरह हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी कॉम्प्लेक्स है, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो सिंपल उनके यूनिट्स है ग्लूकोज में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कन्वर्ट करता है। अब प्रोटीन्स भी क्या है? वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, सो दे कैन नॉट गेट डायरेक्टली इनटू आवर ब्लड, डायरेक्टली वो ब्लड में डिफ्यूज नहीं हो सकते। तो ब्लड में इंटर होने के लिए सबसे पहले प्रोटीन्स अपने सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो दो रीजंस हैं, एक रीज़न ये है कि प्रोटीन जो है वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। दूसरी जो वजह है कि प्रोटीन अमीनो एसिड में क्यों कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो प्रोटीन खुराक में लेते हैं दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी नीड। जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी को चाहिए होती है, तो ये जो हम बाहर से लेते हैं ये हमारी बॉडी के मुताबिक नहीं होते, तो इस वजह से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो इन प्रोटीन्स को पहले सिंपल यूनिट्स अमीनो एसिड में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट करता है, उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के अमीनो एसिड्स को एक ख़ास सीक्वेंस के साथ ज्वाइन करता है, तो जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स है वो बनते हैं। सो ये दो रीजंस है, दे आर ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड्स बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोटीएज एंजाइम्स मौजूद हैं और वो इन एंजाइम्स की मदद से प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं वापस। सेल्स कन्वर्ट द अमीनो एसिड्स बैक इनटू प्रोटीन। सेल जो है वो क्या करते हैं? फिर जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है तो वहाँ से फिर सेल्स ज़रूरत के मुताबिक उन प्रोटीन्स को दोबारा बनाते हैं, उन अमीनो एसिड्स को प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं। अब प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब प्रोटीन्स के यूज़ क्या है? एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसी तरह मेम्ब्रेन्स के अंदर। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ग्लाइकोलिपिड्स, इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, तो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं प्रोटीन्स। एंड ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स के जो मेम्ब्रेन्स हैं, ऑर्गेनल्स भी क्या है, वहाँ पर प्रोटीन मौजूद है। दे आर आल्सो द मेजर पार्ट ऑफ मसल्स। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन आपको याद होगा जब हम मसल्स पढ़ रहे थे यूनिट 4 में, तो मसल्स में भी है और लिगामेंट्स में भी है और टेंडन में भी है। मसल्स को बोन के साथ अटैच करना और इसी तरह बोन को बोन के साथ अटैच करना, तो टेंडन और लिगामेंट्स हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी प्रोटीन मौजूद है। टेंडन लिगामेंट्स प्रोटीन से बने हैं। मैनी प्रोटीन्स एक्ट एज एंजाइम। प्रोटीन क्या है? एंजाइम के तौर पे भी यूनिट 6 में हमने पढ़ा प्रोटीन क्या है, एंजाइम्स है और क्या है, टर्स्टी है, टर्स्टी प्रोटीन्स। तो
एंजाइम भी प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज शॉर्टेज हो, तो फिर क्या होगा, बॉडी प्रोटीन्स पे रिलाई करती है, तो प्रोटीन्स को क्या, प्रोटीन से एनर्जी बनती है। प्रोटीन्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के तौर पे प्रोटीन्स हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेंस 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी होती है, जस्ट इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का भी हमने पढ़ा था, 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो इतनी ही एनर्जी वो भी देते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स का भी 1 ग्राम प्रोटीन हो तो वो हमें इतनी एनर्जी देती है। अच्छा, अब प्रोटीन के सोर्सेज क्या हैं, प्लांट सोर्सेज हैं और एनिमल सोर्सेज हैं। तो प्लांट सोर्सेज में, प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आर बीन्स, बीन्स हैं, इसी तरह पल्सेज हैं, दालें जिनको हम कहते हैं बीन्स, फ्रेंच बीन, आम, लोबिया वगैरह, ये सारे क्या है, ये बीन्स हैं। इसी तरह पल्सेज हैं, सीरियल्स हैं, सीरियल्स क्या है, अनाज जिसको हम, जो हमें फूड एनर्जी देते हैं। एंड ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं उनमें प्रोटीन मौजूद हैं, नट्स, पीनट्स है, वालनट है, इसी तरह बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो उन तमाम में प्रोटीन्स हैं। इसी तरह एनिमल सोर्सेज में, वेयर इज एनिमल सोर्सेज इंक्लूड, क्या क्या शामिल है, चीज़, पनीर, मिल्क, पोल्ट्री, पोल्ट्री जो हेन वगैरह होती है तो उनमें चिकन वगैरह, इन इनको हम पोल्ट्री कहते हैं। तो पोल्ट्री में, इसी तरह फिश में, मटन में एंड बीफ, मटन और बीफ में भी छोटा और बड़ा गोश्त है उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटीन है, उनके सोर्सेस कुछ हमारे पास हो गए। अब प्रोटीन्स क्या है, खुद प्रोटीन्स हम कहते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है, लेकिन अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो फिर अमीनो एसिड्स क्या है, वो वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम है, और प्रोटीन्स जो है, जब अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं प्रोटीन्स बनाते हैं, तो फिर प्रोटीन्स का मॉलिक्यूलर वेट वो ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट प्रोटीन्स क्या है, सबसे पहले दिए आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रोटीन्स क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, और क्या है प्रोटीन्स, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, किस चीज़ से प्रोटीन्स बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स किस चीज़ से बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये मेन चीज़ है जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने, इसी तरह नाइट्रोजन भी और कभी कभी सल्फर, ये चीज़ें मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। अब पहले अमीनो एसिड्स बनते हैं, उसके बाद प्रोटीन्स बनते हैं। अच्छा, तो ये प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। अच्छा, अब प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर, यहाँ हम लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसके बाद हम लिखते हैं प्रोटीन्स के जो बेसिक यूनिट्स हैं वो क्या है, अमीनो एसिड्स हैं। सो कंपोजिशन, कंपोजिशन, प्रोटीन्स किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स से बने हैं, कंपोजिशन की क्या है, मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये अमीनो एसिड्स से बने हैं। अच्छा, अब प्रोटीन का जो टर्म है, जो नाम है, लफ्ज प्रोटीन सबसे पहले किसने यूज किया था, टर्म वाज गिवन बाय, प्रोटीन को नाम, जो प्रोटीन हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये वर्ड किसने दिया था, दिस वर्ड प्रोटीन वाज गिवन बाय बर्जीलियस, बाय बर्जीलियस, एक साइंटिस्ट था
उसका नाम था बर्जीलियस। तो उसने क्या किया, उसने प्रोटीन को ये नेम दिया। किस बेस पे उसने स्टडी किया प्रोटीन्स को, और उसने अपना जो उसका व्यू था ये था कि प्रोटीन्स आर ऑफ वेरी वेरी इम्पोर्टेंस फॉर द बॉडी, लाइफ के लिए प्रोटीन्स क्या है ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इसकी है। इस वजह से उसने प्रोटीन्स को प्रोटीन का नाम दिया। सो बर्जीलियस वो शख्स था जिसने प्रोटीन्स को प्रोटीन का नाम दिया। अब किस बेस पे फॉर द मॉलिक्यूल्स सर प्रोटीन्स को ये मतलब नाम क्यों दिया, इसका मतलब है कि मेड दे अप ऑफ, लिखते हैं हम यहाँ पर मीन्स वर्ड प्रोटीन का मतलब क्या है, ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस फॉर लाइफ। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था मल्डर, मल्डर ने सबसे पहले प्रोटीन को स्टडी किया था, फिर उसके बाद बर्जीलियस आया और बर्जीलियस ने उस मल्डर की जो स्टडी थी उस स्टडी के बेस पे उसने प्रोटीन को नाम दिया। अब ये प्रोटीन का जो मतलब है वो ये बनता है कि दे आर ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस फॉर लाइफ, प्रोटीन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इस वजह से उसने इनको प्रोटीन का नाम दिया। अच्छा अब प्रोटीन्स क्या है, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स आर माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स क्या है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, और किस चीज़ से बने हैं, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स क्या है, वो माइक्रो हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, उन माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं क्या, अमीनो एसिड्स, दे आर कॉल्ड अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन्स के बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स हैं उनको हम अमीनो एसिड कहते हैं। अब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, मुख्तलिफ किस्म के अमीनो एसिड्स हैं, कितने हैं, दे आर अबाउट 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, कितने हैं, 20 अमीनो एसिड्स। जितने भी प्रोटीन्स हैं वो तमाम प्रोटीन्स इन 20 अमीनो एसिड्स की कम्बिनेशन से बनते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के 20 अमीनो एसिड्स हैं जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, वो अमीनो एसिड्स वो रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उनसे प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन का एक लॉन्ग चेन बनता है। अच्छा अब ये 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, कुछ भी बनते हैं, मतलब एंजाइम्स बनते हैं, हॉर्मोन्स बनते हैं, एक्टिन मायोसिन मेम्ब्रेन प्रोटीन है, इस तरह बहुत सारी बॉडी में बहुत जगहों पर प्रोटीन यूज़ होते हैं, जितने भी प्रोटीन से उनकी सिंथेसिस के लिए ये 20 डिफरेंट किस्म के अमीनो एसिड्स वो रिक्वायर्ड है। अब स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह है, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड या अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, जिस तरह नाम से पता चलता है, अमीनो एसिड में एक
अमाइन ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं NH2, NH2 को हम अमाइन ग्रुप कहते हैं और उसमें एक एसिड होता है। अब एसिड क्या है, एसिड को हम कहते हैं COOH। COOH क्या है, ये हमारे पास एसिड है और इसको हम कहते हैं कार्बोक्साइल। ये क्या है, ये कार्बोक्साइल है। तो एक अमाइनो एसिड जो है ये बेसिक उसमें चीज़ें हैं, NH2 अमाइन ग्रुप है और उसके साथ कार्बोक्साइल ग्रुप है। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। सबसे पहले कार्बन जिसको हम कहते हैं बैकबोन है, तो ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ये कार्बन हुआ, अटैच टू दिस कार्बन इज कार्बोक्साइल ग्रुप जो कि एक एसिड है, फर्स्ट वैलेंसी। नेक्स्ट जो वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड बाय एन अमाइन ग्रुप, कार्बन के साथ एक साइड पे अटैच है कार्बोक्साइल ग्रुप, दूसरी साइड पे अटैच है अमाइन ग्रुप। थर्ड वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। जो फोर्थ वन वैलेंसी है, कार्बन हम आप जानते हो कार्बन यूजुअली कितने फॉर्म्स, फोर बॉन्ड्स आमतौर पे वो जो है फोर बॉन्ड्स वो बना सकते हैं, फोर बॉन्ड्स तक वो बना सकते हैं। तो फोर्थ जो वैलेंसी है इट इज हम यहाँ लिखते हैं आर, यहाँ मैंने आर लिखा। अब इस आर का मतलब क्या है, एक अमाइन ग्रुप हुआ कार्बोक्साइल हुआ और ये दोनों क्या है, ये कार्बन के साथ अटैच है, साइड में फिर हाइड्रोजन है। आर को हम कहते हैं दिस आर इज कॉल्ड, यहाँ हम लिखते हैं आर, आर इज कॉल्ड वेरिएंट, हम इसको वेरिएंट कहते हैं। वेरिएंट मींस वेरिएबल है। क्या है ये, इस आर का मतलब है ये वेरिएबल है, इट कैन हैव एनीथिंग, यहाँ कुछ भी आकर कंबाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल इट कैन बी सिंपली हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आकर कंबाइन हो सकता है, इस आर की जगह एच हो सकता है, इसकी जगह कोई मिथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई और ग्रुप हो सकता है। तो ये आर जो है ये वेरिएबल है, चेंज होता है, कभी हाइड्रोजन कभी मिथाइल ग्रुप कभी कोई और चीज़, तो बहुत सारी चीज़ें आकर यहाँ वो बॉन्ड बना सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं वो चीज़ें। अच्छा, अब जो यहाँ पर कोई जो भी ग्रुप या हमारे कंबाइन होता है, यहाँ आकर अटैच होता है, बॉन्ड बनाता है, तो उसके मतलब उस चीज़ की वजह से फिर मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास अमाइनो एसिड्स बनते हैं। मतलब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज हियर, यहाँ आर की जगह ये आर जो है वो सिंपली हमने इसलिए लिखा है कि ये वेरिएंट है, कुछ भी यहाँ पर आकर, ये चीज़ें तो फिक्स है लेकिन यहाँ पर वेरिएशन है, कोई भी ग्रुप आकर यहाँ पर कंबाइन हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है कार्बन के साथ। अब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज हियर, यहाँ पर कौन सा चीज़ आकर कौन सा ग्रुप आकर इसके साथ कंबाइन होता है, सो वी हैव डिफरेंट अमाइनो एसिड, फिर उसके हिसाब से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के 20 अमाइनो एसिड्स बनते हैं। ये जो हमने लिखा है 20 अमाइनो एसिड्स वो इस लिहाज से हैं कि यहाँ पर आके आर की जगह कौन सी चीज़ आकर कंबाइन हुई है, तो उस बेस पे हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनते हैं, फिर ये अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो उनसे प्रोटीन्स बनते हैं। अब अच्छा, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो उनसे प्रोटीन्स बनते हैं। अब दूसरा अमाइनो एसिड अगर यहाँ इसके साथ बाइंड होता है तो वो किस तरह बाइंड होगा, इसी तरह बिल्कुल एक दूसरा अमाइनो एसिड कार्बोक्साइल ग्रुप, थोड़ा सा हम इसको क्लियर करते हैं। अच्छा, तो ये एक दूसरा अमाइनो एसिड उसका कार्बोक्साइल ग्रुप हुआ, यहाँ पर ये उसका आर, यहाँ पर भी इसको हम अगर ब्लैक से
बनाए। याद हुआ? अच्छा, और ये एच हुआ, फिर अमाइन ग्रुप रह जाता है। अब इस अमाइन ग्रुप को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पर ये एन हुआ, उसके साथ एच टू है, तो इसको मैं मज़ीद स्प्लिट करता हूँ आसानी के लिए कि हम बॉन्ड आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर हम एच इस तरह मेंशन करते हैं, एक एच ये हुआ और यहाँ पर दूसरा वही एन एच टू है, लेकिन मैंने उसको स्प्लिट किया फॉर सिंप्लिसिटी के हम बॉन्ड को आसानी के साथ समझ सकें। अच्छा, अब यहाँ पर बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्साइल ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमाइन ग्रुप ऑफ द अदर अमीनो एसिड। ये कार्बोक्साइल ग्रुप है फर्स्ट अमीनो एसिड का। अब यहाँ पर जब दूसरा अमीनो एसिड आकर बाइंड होता है तो दूसरे अमीनो एसिड का अमाइन ग्रुप और फर्स्ट वन का कार्बोक्साइल ग्रुप दोनों कंबाइन होते हैं, तो उससे बनता है एक, मतलब एक बॉन्ड यहाँ पर बनता है। अच्छा, अब किस तरह बनता है? हाइड्रोजन फ्रॉम वन साइड, यहाँ से हाइड्रोजन एच और यहाँ से हाइड्रोक्साइल, ये दोनों यहाँ पर बॉन्ड बनता है विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहाँ H2O एलिमिनेट हुआ, रिलीज हुआ, H2O मॉलिक्यूल बन गया और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो बॉन्ड बन गया। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड बन गया और उस बॉन्ड को हम कहते हैं क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, अब ये बॉन्ड किस चीज़ के दरमियान बना? पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोक्साइल ऑफ वन अमीनो एसिड एंड अमाइन ग्रुप ऑफ द सेकेंड अमीनो एसिड। अब इस किस्म के बॉन्ड के साथ साथ एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज होता है और इस किस्म का बॉन्ड क्या है, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। ये तो प्रोटीन्स को हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है। अच्छा, अब प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं, कहीं आपने सुना होगा या फिर यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड, पॉली का मतलब है मैनी, पेप्टाइड का मतलब है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अब अमीनो एसिड्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इस वजह से प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स। अच्छा, तो ये एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया और ये प्रोटीन्स में जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन है। अच्छा, अब कार्बोक्साइल ग्रुप और अमाइन ग्रुप के दरमियान इस तरह रिएक्शन या इस तरह बॉन्ड्स बनते हैं एंड वी गेट लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन। अब इसके साथ कोई और अमाइन एसिड बाइंड करता है तो वो सेकंड अमाइन एसिड के कार्बोक्साइल के साथ उसका थर्ड का अमाइन ग्रुप आकर कंबाइन होता है, इस तरह दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, इस तरह तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन्स इस तरह अमीनो एसिड से बनते हैं। अच्छा, अब अमीनो एसिड जी क्या है, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स है, फिर जब अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं तो एक लंबा चेन बनता है और उस लंबे चेन को हम कहते हैं वो प्रोटीन का चेन है। और प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। प्रोटीन्स क्या है, वो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स है, कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स है। अब प्रोटीन की डाइजेशन किस तरह होती है, प्रोटीन्स एज वी डिस्कस अर्लियर, प्रोटीन्स क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स है एंड दे कैन नॉट पास थ्रू और सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस वो नहीं जा सकती, क्योंकि हमने पढ़ा था हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल्स का जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो सेमी परमीएबल है, सिंपल मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं लेकिन लार्ज या जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है वो पास नहीं हो सकते। तो इस वजह से
सबसे पहले वो सिंपल में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो क्रॉस कर सकते हैं। तो प्रोटीन्स क्या है, वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है एंड दे कैन नॉट गेट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। हम पढ़ चुके हैं कि वो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होते, सो दे आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड। अब ये प्रोटीन का एक लंबा चेन बन गया। सपोज हमारे पास ये प्रोटीन्स का एक लंबा चेन बन गया। अब ये लंबा चेन क्या है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स है, ये माइक्रोमोलिक्यूल है और ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, इस तरह ये ब्लड में भी एंटर नहीं हो सकता, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल एंटर नहीं हो सकते, ये लंबा चेन। अब क्या होता है, सो दे आर माइक्रोबायो मॉलिक्यूल्स एंड दे कैन नॉट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बात, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार, मतलब उस दूसरी साइड पे वो पास नहीं हो सकती। और नेक्स्ट बात क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि आल्सो दे आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर नीड, बिकॉज दे आर नॉट अकॉर्डिंगली, तो इस वजह से इनकी ब्रेकडाउन होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, दे आर Not according to the need of body। एक बात, प्रोटीन की डाइजेशन क्यों होती है, सबसे पहले कि माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स हैं, इस वजह से कम्प्लेक्स है। और दूसरी बात क्या है, दीज प्रोटीन्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है एक ख़ास शक्ल में, तो ये प्रोटीन बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक नहीं है, इस वजह से इनकी ब्रेकडाउन होती है। सो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट देम इनटू अमीनो एसिड्स। सबसे पहले इनकी ब्रेकडाउन होती है और इस अमीनो एसिड में जो कन्वर्जन है प्रोटीन्स के, इसको हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन हो गई, वो सिंपल में कन्वर्ट हो गई, अब डिफ्यूजेबल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास भी हो सकते हैं आसानी के साथ। और इसके अलावा ये क्या है, अब ये अमीनो एसिड्स दोबारा कंबाइन होते हैं, जो हमने पढ़ा था ऑर्गेनेल जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो ऑर्गेनेल मौजूद हैं और वो अमीनो एसिड्स को कंबाइन करते हैं, जिसको हम राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम अब प्रोटीन फैक्ट्रीज, अब वो राइबोसोम्स इन अमीनो एसिड्स को दोबारा एक ख़ास तरीके से कंबाइन करते हैं, तो दोबारा प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स दे आर कन्वर्टेड बैक इनटू प्रोटीन्स बाय द सेल्स। ये अमीनो एसिड्स पर दोबारा प्रोटीन पे कन्वर्ट होते हैं और प्रोटीन में कौन कन्वर्ट करता है, सेल्स मौजूद हैं, सेल्स में ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, राइबोसोम्स, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन फैक्ट्रीज है, वो प्रोटीन सिंथेसिस वो करते हैं। तो हम राइबोसोम दोबारा इन प्रोटीन, इन अमीनो एसिड्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटीन की ब्रेकडाउन और उसकी दोबारा फॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स।